सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइज, एक और वीडियो, ये एनिमेटेड वीडियो है, आपको बहुत मज़ा आएगा। फादर टू सन बहुत इमोशनल, बहुत एनिमेटेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं लिंक दे रखा है। आप जो है किसी भी लिंक पर क्लिक करके, चाहे वो मेरा ऐप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके जो है नोट्स पा सकते हैं, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं फादर टू सन बाय एलिजाबेथ। यार, मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता, मैं इस बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं पाता, जबकि मैं और ये कई सालों से एक ही घर में रहते हैं। हाँ जी, हमें कई साल हो गए हैं, इवन बचपन से। यार, इसको मैं बचपन से अपने साथ रखता हूँ, मेरा बेटा ही तो है ये। पर फिर भी इतने सालों से एक साथ रहने के बावजूद भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस रिश्ते को दोबारा से बनाऊँ जब वो बिल्कुल छोटा था। पर क्या मैंने इसे मार दिया है? क्या मैंने इसके उस बचपन के प्यार को, उस बचपन की चाहत को मार दिया है? यार बेटा, मैं चाहता हूँ तू वापस वैसे ही हो जाए जैसे मैं पहले था, जैसे हमारा रिश्ता पहले था। ये बीज मैंने ही तो बोया है, ये मैंने ही तो उगाया है। क्या ये जमीन मेरी नहीं है, सिर्फ इसी की है? मतलब मैंने ही इसको इतना बड़ा किया है, तो क्या इसका हक मेरे पे नहीं है, सिर्फ इसी पे है कि जो चाहता है वही करेगा, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं सुनेगा? हम लोग अजनबियों की तरह बात करते हैं। अरे, मैं तेरा बाप हूँ रे, तेरे साथ रहता हूँ, उसके बावजूद भी हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। हमारे वातावरण में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना तू मुझे समझ पाता है, ना शायद मैं तुझे समझ पाता हूँ। तुझे मैंने अपने हिसाब से ही बनाया था, पर तुझे क्या पसंद है, तू क्या चाहता है, वो मैं जानता ही नहीं। सोचना कि जो मैंने बताया है, जो मैंने बनाया है, जिस हिसाब से मैंने ढाला है, तो उस हिसाब से ढल रहा था। लेकिन जो तेरी चाहत है, जो तेरी तमन्ना है, जो तेरे प्यार है, वो मुझे नहीं पता क्या है, जबकि तू था मेरा ही बेटा। हमारे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खामोशी है। यार सुनना बेटा, छोड़ना सब कुछ, वापिस आ जा। मैं तेरी सारी जितनी भी खर्चीली चीज़ होती, जितना तो खर्च करता था, जितना भी तो वेस्ट करता था पैसा, मैं वो तेरे को करने दूंगा। आ जाना यार वापस, तेरी बड़ी याद आती है। तू कहीं गया नहीं है, तू है मेरे साथ ही, तू उसी घर में है, अपने पापा के घर में, वही घर है। पर तू मेरे घर में रहते हुए भी मेरा नहीं है। सुनना यार, वापस आ जा, मैं तेरे को दोबारा देखना चाहता हूँ, दोबारा जो है सही से गले लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी दुनिया में ना जाए, तेरी दुनिया जो भारी दुनिया है, ना जाए यार, वापस आ जाए। मैं तेरे को माफ़ कर दूंगा ना यार, तेरी सारी गलतियों पे, तेरी सारी नादानियों पे, तेरे सारे गिले से भी मैं दूर कर दूंगा। आ जा वापस। सुनना, इस कड़वाहटपन को दूर करते हैं और दोबारा एक नए प्यार को जन्म देते हैं, एक नया प्यार बनाते हैं। बेटा सुनना, वापस आ जा। ये फादर और ये बेटा, मैं और तू, हम लोग एक ही जगह रहते हैं, एक ही ब्रह्मांड में रहते हैं, एक ही जमीन पर रहते हैं। पर जो तू बोलता है वो मैं समझ नहीं पाता, और जो मैं चाहता हूँ वो तू कर नहीं पाता है। मुझे कई बार लगता है कि मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जो है पहले मुझे पछतावा होता था कि मेरा बेटा मुझे समझता नहीं है, अब मुझे गुस्सा आता है। शायद मेरा एंगर, मेरा ईगो भी मेरे बीच में आता है। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अरे काम करते हैं ना, मैं भी खाली हाथ आगे बढ़ाता हूँ, तू भी खाली हाथ आगे बढ़ा। खाली हाथ? क्या मुझे लालच है किसी चीज़ का? हाँ यार बेटे, मुझे लालच है, मुझे लालच है कि तू मुझे माफ़ कर देगा। तो मुझे प्यार नहीं चाहिए? मुझे प्यार तो चाहिए भाई, मुझे प्यार तो चाहिए, पर पहले माफ़ी चाहिए कि जो मैं ईगो कई बार ले आता हूँ, जो मैं तेरे पे गुस्सा करता हूँ, वो सब नहीं करूँगा। बस तू वापस आ जा, एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। प्लीज वापस आ जा, तुम्हारा प्यारा डैड, फादर टू सन। दैट्स इट गाइस, यही था चैप्टर पोयम, सॉरी। दैट्स इट गाइस, यही था पोयम। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और अगर आपको मज़ा आया है तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नोट्स के लिए मैसेज कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको नई वीडियो चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।